Hello everyone, I am your teacher for this particular topic. Let me explain this topic to you. Now the topic is solutions, and in that हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. तो कॉन्सेंट्रेशन किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या होता है, राइट, वो हम डिस्कस करेंगे. और उसके अलावा जो है स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम कवर करेंगे मोलालिटी, राइट. सो सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन क्यों ज़रूरी है. तो यहाँ हम लिखते हैं concentration of a solution is a way to express composition of mixture either quantitatively और qualitatively. सो यहाँ पे जो है qualitatively मतलब आपका यहाँ पे जो है कितना परसेंट प्योर है, quantitatively मतलब कितना अमाउंट प्रेजेंट है. तो दोनों तरीके से जो है आपका कॉन्सेंट्रेशन मेजर किया जाता है. सो कॉन्सेंट्रेशन जो है बेसिकली क्या बता रहा है, आपका कॉम्पोजिशन बता रहा है कि इस मिक्सचर में ये कॉम्पोनेंट का इतना हिस्सा है, राइट. और उसके अलग अलग तरीके से जो है हम उसे डिफाइन करते हैं. तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर, ये पर्टिकुलर वीडियो है, वह है आपके मोलालिटी के रिलेटेड, राइट. सो जब हम मोलालिटी डिफाइन करें तो हम इसको डिफाइन करेंगे कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, राइट. सो कितना अमाउंट, अब कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है आपके पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में, उसको हम क्या कहेंगे, मोलालिटी कहेंगे, राइट. तो यहाँ पे हम लिखें अगर इसका फॉर्मूला तो आएगा मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. तो सॉल्वेंट का वेट है उससे जो है डिवाइड होगा और ऊपर जो है आपका नंबर ऑफ मोल्स आएगा. तो यहाँ पे जो है इसको मोलालिटी को जो है आप स्मॉल एम से डिनोट करते हो, राइट. तो यहाँ पे ये पॉइंट लिख लेते हैं कि इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम एंड यूनिट्स ऑफ मोलालिटी इज मोल पर केजी. तो यहाँ पे जो आपका यूनिट होता है वो है आपका मोल पर केजी मोलालिटी का, राइट. अच्छा, अब जो है अगर मान लीजिए आपको बोला गया कि हमें एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म बनाना है, तो मतलब 2 मोलाल मान लीजिए बनाना है, राइट. सो इफ, या फिर हम यहाँ लिखते हैं टू प्रिपेयर 2 मोलल सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट वी मिक्स 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट. यहाँ पे जो आप 1 केजी लोगे सॉल्वेंट का और उसमें जो है आपका 2 मोल सॉल्यूट के डाल दोगे, तो उससे जो है आपका 2 मोलल आपका सॉल्यूशन बनेगा. अगर मोलार होता तो वो मोलारिटी को रिप्रेजेंट करता, यहाँ मोलल है तो ये मोलालिटी को रिप्रेजेंट करता है, राइट. तो ये जो है आपका एक्सप्रेस किया जाता है इस तरीके से आपके मोलारिटी को, राइट. तो यहाँ पे जो है हम अगेन इम्पॉर्टेंट चीज कि मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट एडिटिव, राइट. तो यहाँ पे जब कभी आप मोलालिटी देखोगे, रिजल्टेंट मोलालिटी, तो उसको जो है आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग उसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर जो है आपको
नेट निकालना पड़ेगा, तो ये इस बात का आप जो है ध्यान रखिएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू।